ने कहा कि ये धरती समाप्त होने वाली नहीं है, लोगों को बदलना होगा, सही रास्ते पे आना होगा। आज पूरे दुनिया में देखने के बाद ये अनुभव भी हो रहा है कि भारत को पूरे दुनिया का मार्गदर्शन करना है और भारत का मार्गदर्शन भारत के युवाओं के द्वारा होना है। युवा कौन? गुरुदेव ने लिखा है, युवा वो हो जिसका मस्तिष्क ठंडा और हृदय कोमल हो। अगर आप इस बात पर अमल करेंगे तो निश्चित रूप से हमारा देश आगे बढ़ेगा। गुरुदेव हमेशा कहते थे, बेटा हमने जीवन भर प्यार बोया है और प्यार बोया है प्यार ही काटा है। इसलिए हम लोगों को गुरुदेव ने कहा, अपने लिए कठोरता दूसरे के लिए उदारता। लेकिन हम लोग कहीं इन बातों को भूल तो नहीं रहे। हम लोग कहते नहीं, दूसरे के लिए कठोरता अपने लिए उदारता। दूसरे के लिए हम सिद्धांत की बात करें लेकिन जब अपनी बारी आए तो ऐसा नहीं। गुरुदेव हमेशा इन बातों पर चिंतन करते रहे। मैं अभी चेतना की शिखर यात्रा पढ़ रहा था, गुरुदेव का तीसरा भाग, उसमें एक जगह लिखा है कि गुरु जी के पास एक संत आए तो गुरु जी ने पूछा चाय पियेंगे आप? तो उस व्यक्ति ने कहा, अरे आपने तो अखंड ज्योति में छापा है कि चाय नहीं पीना चाहिए, चाय धीमी जहर है, फिर आप चाय क्यों पिलाने की बात करते हैं? तो गुरु जी ने कहा, देखिए ऐसा है कि हम लोगों को जबरदस्ती बदलने की बात नहीं करते हैं, हम चाहते हैं कि उसका हृदय परिवर्तन हो, उसके अंदर से बदलाव आवे और इसके लिए उसको एक मौका दिया जाए, उसको सोचने के लिए टाइम दिया जाए। एक बड़ी बात है, एक इतना बड़ा फिलॉसफी है। आज हम लोगों को भी इन बातों पर अमल करना होगा। हम लोग जब किसी की कोई गलती देखते हैं तो उसको कई जगह चर्चा का सब विषय बनाते हैं। ये चर्चा का विषय हमारे गुरु ने कभी नहीं बनाया। उन्होंने हमेशा कोशिश किया कि अगर इसमें कुछ बुराई है क्या मेरे द्वारा ये ठीक हो सकता है? अगर आपके द्वारा ठीक हो सकता है तो ठीक है, नहीं तो हम अपने जीवन में अपने लिए क्यों वो बुराई जमा कर रहे हैं? आजादी के दिन, आज 15 अगस्त के दिन, हमें ये भी संकल्प लेना चाहिए कि अगर हम किसी की बुराई ठीक कर सकते हैं और पेशेंसली ठीक कर सकते हैं तो हमें करना चाहिए। हमारे अंदर ये धैर्य दिखना चाहिए। हमारा ये शक्तिपीठ गुरुदेव इसलिए बनाए कि हाँ पूजा पाठ हो, भजन कीर्तन हो, इसलिए उनका जगह ये आने वाले समय में जन जागरण का केंद्र बनेगा। लोग यहाँ से दिशा पाएंगे, लोगों को एक रास्ता मिलेगा। ये कार्य आज इस शक्तिपीठ से कम पटना शक्तिपीठ से ये कार्य हो रहा है। ये बड़ी खुशी की बात है कि शायद ये पहला शक्तिपीठ है जहां देखने पर लगता है कि इतने लोगों को दिशा मिल रहा है। मैं ये नहीं कहता हूँ कि सारे युवा बदल गए हैं, सब में इतना परिवर्तन आ गया कि वो एकदम 21वीं सदी उज्ज्वल भविष्य के लिए तैयार बैठे हैं। लेकिन एक बात जरूर हुआ है कि यहाँ आने वाले युवाओं ने सोचना शुरू कर दिया है कि साहब हमें सही रास्ते पर चलना चाहिए। अभी चलने के क्रम में संभव है कि हमारे युवा भाई गिर भी सकते हैं, गिरते भी हैं। इस समय हिम्मत नहीं हारना, जो चलता है वही गिरता है। अगर ये सोच ले कि चलेंगे तो गिर जाएंगे, हम चले ही नहीं, ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। तो ये सारे चीज गुरुदेव के जो विचार है, गुरुदेव के जो सोच है, जो सपना है, उसको साकार होते हुए मुझे तो कई बार लगता है कि व्यक्ति हो सकता है कि माध्यम बन जाए, हम माध्यम बन जाए, हमारा आपका सौभाग्य है, हम सभी लोगों का सौभाग्य है। लेकिन एक अवतारी चेतना इन दिनों बड़ी सक्रिय रूप में काम कर रही है और ये सक्रिय रूप में इतनी जबरदस्त रूप से दिखाई पड़ रही है। अगर लोग अनुभव करें, ध्यान करते हैं, गायत्री जपते हैं, इसमें अनुभव करें तो उन्हें लगेगा यह परिवर्तन किसी को रोके रुकने वाला नहीं। ये तो इतनी तेजी से, इतने बृहद रूप में आ रहा है और युवाओं का जो टीम, जो फौज गायत्री परिवार की ओर मुखातिब हो रहा है, इसे संभालने वाला, नेतृत्व करने वाले लोगों की आवश्यकता है जो हमारे बीच से उभर रहे हैं। बड़ी खुशी की बात है कि गुरुदेव की चेतना इन दिनों इतनी ताकतवर सक्रिय होकर पटना में विशेष रूप से काम कर रहा है। जैसे सारे क्रांति कई जगह से हुए, लेकिन मुझे ये पूर्ण विश्वास है कि ये जो 21वीं सदी का जो क्रांति है, गुरुदेव ने कहा युग परिवर्तन, तो मुझे लग रहा है, हमें ऐसा लग रहा है कि ये 21वीं सदी का शुरुआत और ये क्रांति पटना निश्चित रूप से पाटलिपुत्र का वो क्षेत्र बनेगा जहां पूरे देश को एक अपने ढंग का मार्गदर्शन देने का काम करेगा। विचारों से नहीं, भाषण से नहीं। हम माइक पकड़ लिए, हम बहुत अच्छा बोलना जानते हैं, हमारे पास लेक्चर का कमी नहीं है। मैं इन बातों में विश्वास नहीं करता। हम तो अभी इन बातों में विश्वास करते हैं कि हमें करना क्या है, योजना क्या है, प्लानिंग क्या है और कब उस पर अमल करना है। ये बातें कहीं होती है तो वहां जाने में मन लगता है, अन्यथा कई लोग कहते हैं कि आप आइए, आप लोग अपने मंडल के टीम को लेके आइए। मैंने पूछा क्यों आए? तो आपका प्रवचन कराएंगे। हम कहते साहब हमारे यहाँ प्रवचन करने वालों का भीड़ है, अगर आपको प्रवचन सिर्फ कराना है तो आप हमारे शांतिकुंज से संपर्क कर लें, हमारे शक्तिपीठ से संपर्क कर लें। हम लोग को अब कुछ काम की योजना है, कुछ प्लानिंग करना है, कुछ संगठन का काम करना है, कुछ बाल संस्कार शाला चलाना है, सफाई अभियान कराना है, ग्राम्य विकास की बातें करनी है, योजना को आज निर्णय हुआ कल इंप्लीमेंट करना है। तो हमारे पटना के भाई अब इन बातों में विश्वास करते हैं कि अब काम, ये काम जो है यही हमें आजादी का सही धुन पैदा होगा, दिखाएगा। कल आप आईएएस बनेंगे, आईपीएस बनेंगे, इंजीनियर बनेंगे, डॉक्टर बनेंगे और एक संस्कार के साथ जब बनेंगे और वहां पहुंचेंगे तो समाज को कितना लाभ होगा, आज भले समझ में नहीं आ रहा है, आज हमें नहीं समझ में आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, लेकिन आने वाला समय गवाह देगा कि कितना बड़ा काम हुआ था और कैसे हो गया, किसने किया, किसकी शक्ति लगी। ये रिसर्च का विषय होगा आने वाले समय में। इन्हीं बातों के साथ में अपनी वाणी को विराम।